শখটা দেখে ইন্টারেস্ট কোনটা ছিল? এক্সপিরিয়েন্স, নলেজ, দেখা তো পতা চলা কি মুঝে ইয়ার পছন্দ হ্যায়। আপ মেজরিটি কা প্রবলেম হামারে ইয়াহাঁ ইয়ে হ্যায় কি এক্সপোজড হি নাহি, ইউ ডোন্ট নো কি ইয়ে হ্যায় ক্যা, তো কেন ইয়ে তো এসি পেন হ্যায়। আগে ফর এক্সাম্পল আপনে জিন্দগি মে কভি পার্কার পেন নাহি দেখা, ও মে আপকে লিয়ে পেন সামনে লে আউ তো আপ উসকো ইয়ুঁ কে দেঙ্গে, ভাই ইয়ে তো এক পেন হ্যায়, 5 রুপে কা পেন আতা হ্যায়। বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য নলেজ, ইয়ে পার্কার পেন 9 রুপে কা ইয়া 5 রুপে কা নাহি আতা, বলকে 20,000 রুপে কা। ক্যা চিজ কি কমি হুই? নলেজ কি কমি হুই। সো ইহাঁ পে ভি উসি কিসম কা হো রাহা, আপ উসি বেসিস পে কমিউনিকেট করতে হ্যায় আপনে ক্লায়েন্ট সে, আপনে বসেস সে, আপনে ম্যানেজার সে, জো আপ 20-25 সাল সে সিখতে হুয়ে আ রহে হ্যায়। অর আপকো ডিফ, ইয়া আপনে দোস্তো সে, সরি আই স্কিপ দ্যাট, বিকজ ইহাঁ পে জ্যাদাতার পিয়ার্স জো হ্যায় আপকে ও সারে সেম লেভেল কি উমর কে হ্যায়, রাইট? সো am I on the track? Am I saying the right thing so far? Does it make sense? Yes, of course. Does it make sense? Yes, makes sense. ऐसे सीखा है ना हमने, किसी ने हमें किसी स्कूल में कम्युनिकेशन की क्लासेस नहीं ली, कभी भी जिंदगी में कभी किसी ने बात करना नहीं सिखाया, तो हम एक्सपेक्ट कैसे करें कि आप बात सही करेंगे, है ना? मिसाल के तौर पे मेरी अदील से अक्सर शिकायत होती है, अदील कहते हैं कि अदील कम्युनिकेट नहीं करता, राइट? ऐसा ही आपको नहीं पता, खैर मेरी शिकायत होती है अदील से कि अदील कम्युनिकेट, अदील क्या कहता मैंने आपको फोन किया था, आज भी यही हुआ, अदील कह देता मैं पूछता था, मैंने तो आपको फोन किया था, 3 दफा फोन किया था, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मेरी शराब से अक्सर शिकायत होती है, अक्सर आप फोन नहीं उठाते, तो कम्युनिकेट नहीं किया कि कैसे करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस, कि हम कम्युनिकेट कैसे बेहतर करें, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि हम कैसे बेहतर कर सकते। सो हाउ एवर आपने भी मुझे 3 दफा फोन किया, लेकिन एंड ऑफ 3rd कॉल आपने क्या किया? टेक्स्ट कर दिया कि जी ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने ये कर दिया है, प्लीज मुझे बता दें क्या करूं, और नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए उसके बाद, अगर अर्जेंट है कोई कास्ट क्या करें? दोबारा कॉल कर सकते हैं, और दोबारा टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि जी आई नीड इट बाय दिस टाइम, आई वुड रियली अप्रिशिएट if you can do that. Now one thing, ek cheez jo maine inse seekhi hai, inko hum lekar aaye the communication skill development ke liye Pakistan, that was our core reason to bring her in Pakistan. I think I learned many things. The best thing I learned was that you can't say what you are thinking all the time. It doesn't matter what you think, what matters is who's listening. What does he think? Right? अगर मैं किसी से कहता हूँ पानी ले आओ, मुझे पानी पिला दो, फयाज को जो समझ में आएगा वो करेगा ना, कसूर उसका हुआ मेरा हुआ, मुझे गर्म पानी पीना है, तो कसूर किसका हुआ, बताने वाले का क्वेश्चन। अगर मैं उसको कहूँ फयाज, फयाज मुझे एक साफ ग्लास में गर्म पानी ला दो, एंड इफ ही स्टिल ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर वो 3 दफा ये कर रहे हैं तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आप हर दफा ठंडा लाते हैं, आपको ठंडे और गर्म का मतलब भी पता है? हो सकता है उसको ठंडे और गर्म में भी फर्क नहीं पता हो, क्योंकि वो तो गांव से आए, उसकी नॉलेज को नहीं आप जज कर रहे, आप नॉलेज उसको दें, फिर आपसे वो गलत करे तो फिर आप उसको सलाम अलैकुम कह सकते हैं। वी कांट से सलाम अलैकुम टू एनीवन, या हो सकता है उस रोल में फिट नहीं आ रहा ना, हो सकता है वो उसको काम नहीं पसंद हो, तो ही विल डू एनीवे, वो अपने आप से खुश नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो कम्युनिकेट को क्लियर करने के लिए हम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दें तो अच्छा है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सुजैन होती थी हमारे साथ अमेरिका में, वो क्या करती थी पता है, क्या करती थी? हाँ, वो कम्युनिकेट तो करती थी, लेकिन वो क्या करती थी, अगर आप ही उठाएंगे तो ओवर कम्युनिकेट करती थी, यानी कि अगर मैं पूछ रहा हूँ ये काला है और इस वजह सफेद है, तो उसका जवाब में 2 पेज का लेटर आ जाता था कि जी कि काला भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है, क्योंकि इधर से सफेद है, इधर ये काला है, और ये है और वो है, फलाना है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए एक्सप्लेनेशन करती थी। और उसकी वजह भी यही थी कि वो अगेन कोशिश ये कर रही होती थी कि मैं मिस्टेक ना करूं, मुझे मिस्टेक से बचाने के लिए कोशिश ये कर रही होती, उसकी कोशिश, उसके अंदर
कभी भी याद रखे हमारे यहाँ हम मैं मेरा यकीन है कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो अच्छे लोग हैं, मेरा यकीन है कि यहाँ पे कोई भी खराब आदमी नहीं बैठा, ठीक है ना। लेकिन आप वही काम कर सकते हैं जो जितना हमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको डिलीवर सही नहीं कर सकते। तो दैट बिकम्स अगेन द डेफिनेशन एक्सप्लेन की फीडबैक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो नाउ आई ट्राई टू गिव सम एग्जाम्पल्स बट इट डजंट मीन कि इट फिट्स एवरी टाइम। सो अगेन आपका जो क्वेश्चन है दैट कैन हेल्प मी डू इट बेटर। देयर इज नो सिंगल प्रोसेस वी कैन फॉलो ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि जी मैंने कॉल किया, मैंने SMS किया, मैंने 2 घंटे बाद फिर SMS किया, आपने कुछ नहीं किया। वॉट इफ यहाँ पे बर्गलर आए ना एंड यू स्टिल नीड टू कॉन्टेक्ट मी, वॉट विल यू डू? यू विल प्रॉब्ली गेट इन द कार, कम टू माई होम, ट्राई टू फाइंड मी, राइट। प्रियोरिटी का फर्क हो गया ना, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंस का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट। अब मुझे क्योंकि जब आपने कॉल करी तो मुझे क्योंकि नहीं मालूम कि आपने क्यों कॉल करी तो मैं हो सकता है फोन ना उठाऊं, मैं कहूंगा बाद में बात कर लो। लेकिन ये नहीं मालूम था कि बाहर पानी बह रहा है, गटर बह रहा है, और अगर आपने मैंने फोन नहीं उठाया तो कुछ हादसा हो जाएगा, इमरजेंसी हो रही ना। तो अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जब आप 4 दफा कॉल करेंगे मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे लगेगा हाँ शेट्टी को कुछ इमरजेंसी में मसला है, मुझे उठा लेना चाहिए कॉल, क्योंकि मेरा फोन अब 90% साइलेंट होता है। ऐसा ना भी लेकिन अगर आप फॉलो बैक टेक्स्ट कर दें, और अगर मेरे जागने वाले टाइम में हूं तो मैं SMS फौरन अक्सर फौरन पढ़ लेता हूं जब मैं पाकिस्तान में होता, क्योंकि ईमेल से मैं पहले ईमेल फौरन पढ़ लेता था, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूं थोड़ा वापस SMS पे आ गया हूं, क्योंकि SMS ईमेल में मेरा इतना स्पैम होता था, इतना स्पैम होता था कि मैंने आज जाकर ईमेल ही पढ़ना छोड़ दिया। और फेसबुक को मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि उसमें स्पैम कम होता है। अब जब से मैंने ये वर्कशॉप कराना शुरू किया है मेरे फेसबुक में अजीब अजीब सवाल आ रहे होते, तो मैंने फेसबुक भी क्वांटिटी ईमेल की मैसेजिंग कम हो गई, मजबूरी। कोई कहता है कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, कोई कहता है मुझे नौकरी दे, 25 तरह में रोज ईमेल होती है मुझे नौकरी दे, और जैसे उसको कहो वीडियो भेजो कि ये तरीका है, ये तो हम नहीं देख रहे आप नौकरी दे। अच्छा भाई इस्लाम, अब मैं उसको जवाब क्या दूँ, मेरे तो ये भी नहीं समझ आ रहा। सो एवरीबॉडी वॉन्ट्स नौकरी बट डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर नौकरी। हमारे कॉलर पे चिलचट्टा सर डाल गए। सो प्रायोरिटी के बेसिस पे कम्युनिकेट करना जरूरी। तो कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल ना, सिंगल डायरेक्शन तो नहीं हुई। यानी अदील ने फोन किया फोन किया फोन किया, मुझे क्या मालूम अदील को फोन करा है, क्या ख्याल अदील? लेकिन अगर अदील मेंशन कर दे, अच्छा फर्ज करो अदील को मैंने कोई काम दिया हुआ है तो अदील का फोन आया, तो मैं ये समझूंगा, अज्यूम करूंगा ये उस काम के मुताबिक फोन कर रहा है। ट्रू और फॉल्स? ऐसे ही होगा, अजम्पशन तो यही होती है ना दोस्त। क्या भाई तुम्हारी बीवी ने कहा था मैं अच्छा 2 घंटे बाद फोन करके आपको बताऊंगी खाने में क्या पक्का हुआ, तुम्हारी बीवी का फोन आया 2 घंटे बाद, तो तुम क्या समझ रही हो खाने में क्या पक्का है, और तुम फोन नहीं उठाओगे? अब फर्ज करो मेरे साथ बैठे हो, तुम नहीं फोन उठाओगे? हो सकता था वहां पे कोई इमरजेंसी हो, फोन तो नहीं उठाया तुमने, लेकिन एक नजर से उठा के SMS तो देख ही सकते हो ना कि क्या लिखा है। तो दिस इज हाउ वी कैन कम्युनिकेट बेटर बाय यूजिंग डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड बाय आस्किंग द अदर पर्सन कि आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या है। अब मेरा इस वक्त कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम एक आपके साथ है, एक बाल ट्रेनर के साथ है, ह्यूज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फिराज के साथ है बिग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मोहसिन के साथ है लेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देयर इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फोन नहीं उठाता अक्सर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड डजंट रिप्लाई व्हाई। सो एंड आई बिलीव इन यूजिंग मोर टूल्स, जैसे मैंने हैप्पी बर्थडे का SMS किया बासित तलवी को, बासित तलवी वो है जो ब्रेन नेट चलाता है लाहौर में, ठीक है, एक पहला ISP पाकिस्तान में। अब क्योंकि वो टेक्नोलॉजिस्ट है, जैसे ही मैंने SMS किया विद इन अ मिनट जवाब आया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके SMS करने का, और आप दुआ आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी लिए बहुत सारी खुशियां। एक मिनट भी नहीं हुआ था जवाब आया, मैंने कहा इसने कोई एप्लीकेशन बना के डाली,